कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। One second. मैं अपील करता हूँ आप भी मिस्टर जयराम रमेश यहाँ बैठे हो, लेकिन पहले भी आपने काम किया, उनका तो आदर कर लीजिए। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा, होगा भी नहीं। प्लीज टेक योर सीट। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, आप कुछ भी मेरे बारे में कह देते हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेकर बहुत दुखी हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज संसद में जयंत चौधरी ने दिखा दिया कि नेताओं से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। नेताओं का वक्त बदलता है, साथ ही बदलते हैं तो विचारधारा भी बदल जाती है, वक्त के साथ जज्बात बदल जाते हैं। और जयंत चौधरी के भी पीएम मोदी और मोदी सरकार को लेकर ऐसे जज्बात बदले कि सुनने वाले हैरान रह गए। जयंत चौधरी को इस बात का बुरा लग गया जब विपक्षी दलों ने उन्हें चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद गठबंधन को लेकर आईना दिखा दिया। कई नेताओं ने इसे राजनीतिक सौदेबाजी बताया और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया, जिसे लेकर जयंत चौधरी को बुरा लग गया। जयंत चौधरी ने संसद में इस बात का बुरा मानते हुए क्या कहा, पहले जरा वो सुनिए। इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेकर बहुत दुखी हूं। आपने मेरी नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया। सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर में ही बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है, देश का किसान कमेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति उनको सशक्त करने वाला वन सेकेंड। मैं अपील करता हूँ आप भी मिस्टर जयराम रमेश यहाँ बैठे हो, लेकिन पहले भी जयराम रमेश। जब विपक्षी सांसद जयंत चौधरी पर बीजेपी से सौदेबाजी करने का आरोप लगाने लगे तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गुस्सा आ गया। ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड, टेक योर सीट। फर्स्ट विल यू टेक योर सीट? वाई आर यू शाउटिंग लाइक अ कमांडो? नहीं, वाई आर यू शाउटिंग लाइक अ कमांडो? सिट डाउन, टेक योर सीट। प्रमोद जी, बैठिए। ऑनरेबल मेंबर्स, सभापति जी, अगर मेरी बात दर्ज हो रही हो, मैं बात चालू। वन एट अ टाइम, लीडर ऑफ द अपोजिशन, डू यू वांट टू से आइदर कंट्रोल योर पीपल और प्लीज से समथिंग? श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, आइदर कंट्रोल योर पीपल और यू राइज एंड एड्रेस द हाउस। आई गिव यू टू ऑप्शन। व्हाट? नो, सिट डाउन, सिट डाउन। लीडर ऑफ द अपोजिशन इज ऑन द फ्लोर। नहीं नहीं, एक मिनट, वन सेकंड। सुनिए प्लीज, एवरीवन Everyone to sir, yes, Mr. Mallikarjun Khadge, Mr. Khadge, one second, Mr. Khadge, and I'll plead with you. Should we in this house make a controversy? When आप ही बात कर रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप ही बैठिए। जयंत चौधरी ने यह आरोप लगाया कि जो लोग भारत रत्न को लेकर सौदेबाजी का आरोप लगा रहे हैं वो चौधरी चरण सिंह का अपमान कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सौदेबाजी नहीं है तो आखिरकार जयंत चौधरी ने तुरंत बीजेपी के साथ गठबंधन करने का ऐलान क्यों कर दिया? इस बात में कोई दो राय नहीं कि चौधरी चरण सिंह को पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन जब चुनाव के नजदीक मिला है, तीन लोगों को भारत रत्न एक साल में दिए जाने का नियम है, जब थोक के भाव दिए जा रहे हैं तो विपक्षी आखिरकार सवाल क्यों ना उठाएंगे? जब गठबंधन के लिए भारत रत्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, तो जयंत चौधरी को इस बात का बुरा मानने की आखिरकार जरूरत क्या है? अगर जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को मानते हैं, अगर अपनी जुबान के पक्के हैं,
जब दूसरे नेताओं के लिए नैतिकता की बात करते हैं तो पहला कायदा तो यह बनता था कि जयंत चौधरी को आज सदन में आकर अपना इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि अगर जयंत चौधरी राज्यसभा में गए हैं तो वो अखिलेश यादव की वजह से गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा है, तो पहले तो नैतिकता के आधार पर उन्हें राज्यसभा की सीट छोड़नी चाहिए थी और बीजेपी के सहयोग से जो टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ना चाहिए था और पहले राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए था। दोस्तों, हैरानी की बात यह भी है कि बीजेपी के साथ आते ही जयंत चौधरी पीएम मोदी में चौधरी चरण सिंह को देखने लगे। जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी की विचारधारा, मोदी सरकार की विचारधारा भी चौधरी चरण सिंह से मेल खाती है। राजनीतिक विशेषज्ञ ही मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से गांव गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं, 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में सोच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूं उससे दो बड़े काम हो जाते हैं। एक के चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है। गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है। देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं, आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। धन्यवाद। दोस्तों, क्या वाकई पीएम मोदी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चल रहे हैं, और क्या उसी विचारधारा के तहत जब हाथरस में बेटियों की आवाज उठाने गए थे जयंत चौधरी, तो उन पर लठ बरसाए गए थे? क्या चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर ही अग्निवीर योजना लाई गई, जिसकी वजह से किसान कौम के बेटों का भविष्य खराब हो गया और ज्यादातर युवाओं के लिए आर्मी की नौकरी 4 साल की हो गई? आर्मी में किसान कौम के ही बेटे जाते हैं। जिस समाज से जयंत चौधरी आते हैं, जिस गांव देहात से आते हैं, उन्हीं के बेटे आर्मी में जवान बनकर देश की सेवा करते हैं। आज वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार हमारा देश प्रेम 4 साल की नौकरी तक ही क्यों सीमित कर दिया गया है? तो क्या उनको समझा पाएंगे जयंत चौधरी की पीएम मोदी किस तरह चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलते हैं? चौधरी चरण सिंह ने किसानों की आवाज उठाई, किसान आज आंदोलन करने को तैयार है MSP को लेकर, पीएम मोदी पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या किसानों के नेता जयंत चौधरी उन्हें समझा पाएंगे कि पीएम मोदी चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते पर चल रहे हैं? आप ये छोटे मोटे MSP के मुद्दे मत उठाइए। जिन 700 किसानों ने शहादत दी, क्या उनको समझा पाएंगे जयंत चौधरी की कोई बात नहीं, पीएम मोदी चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते पर चल रहे हैं? जिस बीजेपी नेता ने किसानों पर थार चढ़ा दी थी, क्या उन किसानों के पीड़ित परिवारों को जयंत चौधरी समझा पाएंगे कि कोई बात नहीं, पीएम मोदी चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं? ठीक है, आपने गठबंधन किया, लेकिन वक्त के साथ आखिरकार नेताओं के बयान इतने क्यों बदल जाते हैं? जो जयंत चौधरी दिन रात इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार का विरोध किया करते थे, कहते थे कि बीजेपी की राजनीति, पीएम मोदी की राजनीति गांव देहात के खिलाफ है, मोदी सरकार की नीतियां गांव देहात के खिलाफ है, वो एक शौचालय गिनाकर कहते हैं कि पीएम मोदी चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी को विपक्षी नेताओं की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि आईना देखना चाहिए कि पिछले 10 साल उन्होंने जिन मुद्दों पर राजनीति की, अचानक क्या वो सारे मुद्दे सुलझ गए हैं जो आप चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने की तारीफ करते हुए पीएम मोदी का आज गुणगान कर रहे हैं? आप नेताओं के इस तरह जज्बात बदलने को लेकर क्या सोचते हैं, और जयंत चौधरी के राज्यसभा में ऐसे भाषण को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।